तो आज जुमे का दिन था और कपड़े चेंज किए, अभी जा रहे हैं वापसी, नहीं वापसी जा रहे हैं मिट्टी घूमेंगे। मिट्टी से घूमने पहले एक आता है, एक पॉइंट आती है यार, कुआं है मारवी का, वो घूमेंगे, उसके बाद आगे जाते हैं। लेकिन अभी सफ़र में तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों तंग हो गए हैं, पता नहीं क्यों। ये ट्रेवलर नहीं है बेसिकली, दीज आर नॉट अ ट्रेवलर। ट्रेवलर होता है ना, खाना पीना सब कुछ फ्रेश होता है, बंदा यार घूमना एडवेंचर होता है। अभी नमाज पढ़ी है, अभी यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके नंगर से थोड़ा बाहर, खाना खाने के बाद अब वापसी जाएंगे मिट्टी की तरफ, वहाँ पे घूमेंगे। मारवी जो खूब इतने आगे है ना, आते चलो। हाय गाइस, तो फाइनली मारवी के ऊपर, मारवी के वेल पर पहुंच गए, वाल मारवी भलवा। और ये भाई कल्चर मारवी वेल जो लिखा हुआ है, कल्ची यहाँ से मारवी पानी भरती थी, वही स्टोरी सेम कहानी जो उमरकोट की थी। अच्छा चलो यार आपको दिखाता हूँ स्टोरी। ये थी कि मारवी यहाँ से पानी भर रही थी तो उमर को वो अच्छी लग गई थी, तो इसीलिए उसने उठाया था यहाँ से। मारवी का कुआं, वही स्टोरी भाई, यहाँ से मारवी पानी भरती थी, ये लगा हुआ है। मारवी यहाँ से भाई कुएं से पानी भरती थी, और तकरीबन मारवी के साथ 6 या 7-8 जने आती थी पानी भरने के लिए। तो वहाँ से जब उमर गुजर रहा था तो सारी देखकर हंसी थी उमर के यहाँ पे। उमर यार ये रहा हमारे साथ, उमर मौजूद है, जिसको उमर ये हमारे साथ। उमर मारवी कैसी लगी आपको? जलील ना कर गणो, मारवी कैसी लगी आपको? और ना थी यार, तो मारवी को सही लिया, कह रही थी कि उमर जा रहा है तुम्हारा आशिक, वैसी स्टोरी थी। और तो ये अभी म्यूजियम है यहाँ पे, शायद टिकट 20 रुपये या 30 रुपये। उसके अलावा ये कि बारिश हो रही थी रास्ते में, बड़ा एंजॉय कर रहे थे बारिश का। ये रहा म्यूजियम, मुझे खुला होना ना कल्चर शादी के एंट्री फ्री, फी टिकट, मारवी कल्चर कॉम्प्लेक्स एंड म्यूजियम, बालवा कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थरपारकर। ये भाई है, भाई एक उमर
ये भी ज्यादा था उम्र 4-5 साल हुई देखो भाई उम्र ये उम्र है छोड़ना कित ये भाई ये और इसके अलावा ये देखें कल्चर यहाँ ये पानी भरने का मटका होता था उसके अलावा यहाँ पे खाना रखने का धोने का हाथ धोने का उसके अलावा ये तो मुझका वजह मिलता नहीं ये खास पीते थे मुझे मेरे शक में ये कशकोल है और ये पानी भरने के लिए स्पेशल जो होता शरबत उसके अलावा ये भी होता था ये हुक्का उमर पीता था और ये जब टूर या ट्रेवल पे जाते थे लॉन्ग ड्राइव पे तो घोड़े पे लेके जाते थे और उसका पता नहीं इसका भी पता नहीं ये पता नहीं क्या है चलो चलें चलो भाई आगे चलते हैं भाई बाइक पे नींद कर रहा था और मौसम यार इतनी अच्छी हो गई है यार बहुत बढ़िया मौसम हो गई है ठंड हो गई है सर्दी हाँ लिया हल यहाँ पे थोड़ा ही दूर रुके चाय पीने के लिए रुके और आगे चलते और हमारे दोस्त यहाँ पे चाय पी रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड है चाय का मजा पीने का मजेदार अलग ये है उमर बादशाह ओ बारिश ओ यार पूरी चेकर उन्होंने ना पड़ा है ओ बारिश बहुत हो रही है यार चाय की दे चाय पी ठर ही नहीं मौसम में दी और नहीं क्या है ये चाय मैं पी रहा हूँ यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है हेलो गाइस तो अभी हम इस्लाम कोर्ट में पहुँच गए और मोबाइल ना सारी बैग में रखी थी क्योंकि बहुत बारिश पड़ रही थी मी बाबा मज़ो तो वाकई आप सुन रहे हैं आवाज़ यशोर गजगोड़ की अभी यहाँ 100 भी थी बहुत सर्दी है यार तो गाइस यार बाहर बारिश हो रही थी और अभी सलाम कोर्ट में है और ये रूम पड़ा है हमें 1000 रुपये नाइट बिस्तरे भी हैं और पूरा रूम सही तरह कैसे बना हुआ है उसके अलावा ये बात है कि सर्दी में चला ही नहीं जा रहा था सर्दी बहुत थी अभी सुकून आ गया है सुकून से यहाँ पे बैठे हुए हैं बारिश में बाइक राइडिंग करने का इरादा तो था मिट्टी तक नहीं हो पाया क्योंकि वजह ये थी कि जो बारिश का प्रेशर था ना वो व्यू जो एडवेंचर था एडवेंचर का क्या मज़ा होता है एंजॉय भी करे और एडवेंचर भी हो दे ये भाई हमारे बंदे चार्जिंग कर खमी से होता है ठीक है गुड नाइट अब यहाँ पर सोते हैं और कुछ नहीं है।